ना रुको आराम बात कर लो एक बार भैया कोई को दे धरो मुझे लग लिख दिया हूं कर दो कोई नहीं देख मैं तो साहब खुद आके कहा है हमारे को तो सुनो थे आज रहेंगे उसके बाद ये पोजीशन है मैं डॉक्टर साहब बताएंगे ये आप बैठे सक्षम में डॉक्टर साहब सक्षम बैठे आप निर्णय लेने वाले हैं हमारी बात हुई गाँव में 15-20 बन आ चुके क्या समस्या है क्यों आंदोलन कर रहे हैं समस्या यहाँ न तो टाइम पे स्टाफ आता है और यहाँ रेजिडेंशियल क्वार्टर इनको अलॉटमेंट है उसके बावजूद यहाँ कोई निवास मतलब रहते नहीं डॉक्टर महोदय और डॉक्टर जिम्मेदार है वो भी नहीं रहेंगे तो बाकी स्टाफ तो रहने का मतलब ही नहीं है और डॉक्टर से हमने 3-4 बार यहाँ आके निवेदन किया कि आप रहिए यहाँ पर लेकिन डॉक्टर महोदय ने कहा कि चूरू आते हैं तो हमारा स्टाफ रहता है और रतनगढ़ जाओ तो स्टाफ रहता है आपको यहाँ आदमी रहने की जरूरत ही नहीं है।